बैठे ना उनकी जो वोटिंग लिस्ट की पर्ची। क्या नाम है आपका? हाँ सर मनीष। मनीष जी, बाहर जो वोटर कार्ड का जो लिखा हुआ है उसमें आम व्यक्ति के लिए क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कब से ये काम शुरू हो गया है कलेक्टेड में? जी सर, अभी 6 दिन पहले चालू हुआ है। इसमें सर ये सुविधा है कि आप पहले क्या होता था सर, वोटर कार्ड का आवेदन बी एल ओ को देते थे, बी एल ओ लेके जाता था, आप इकट्ठे आवेदन करता था, फिर कलेक्टेड में लेके आता था, फिर ऑनलाइन होते थे, एक समथिंग 1.5-2 महीने लग जाते थे। अब ये काम 7 दिन के अंदर होगा, समय सीमा निर्धारित की गई है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसके तहत हम आवेदन लेंगे, हम ही ऑनलाइन करेंगे। एक निर्धारित शुल्क तय किया गया है सरकार से, हाँ लेना है जनता से। आवेदन ऑनलाइन करने के बाद सीधा ईआरओ को देना है, ईआरओ उसको अप्रूवल करेगा। हाल के तत्काल प्रिंटर रखाया गया है सरकार द्वारा, हमें प्रिंटर उपलब्ध कराए गए हैं, 7 दिन में उसे वोटर कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा समय सीमा के तहत। जैसे कौन कौन से दस्तावेज लाने होते हैं व्यक्ति को जो भी आधार कार्ड बनाने के लिए? उसमें ब्लैक एंड वोटर कार्ड, वोटर कार्ड बनाने, ब्लैक एंड वोटर कार्ड है, कलर कराना चाहता है, तो सिंपल से फोटो, पुराना वोटर कार्ड की फोटो कॉपी दे, हम उसको 7 दिन में कलर वोटर कार्ड उपलब्ध करा देंगे। और नया कोई बनवाना हो तो? नए के लिए अपना आधार कार्ड, एक फोटो और बिजली का बिल किसी का भी परिवार में हो उसका दे दिए, उसका वोटर कार्ड तैयार। ये पूरी भारत सरकार की योजना है? हाँ जी, पूरी भारत सरकार की योजना है। और यहाँ पर कलेक्टेड में सारे विधानसभा के, किसी भी विधानसभा के आवेदन आप जमा कर सकते हैं। यह सोमवार से शुक्रवार तक आवेदन के लिए खुला हुआ है, सेकेंड और थर्ड सैटरडे ऑफ रहता है।